मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। हम करें और हमें मालिक रोटी भी देता रहे, ये हो सकता है? अगर हम मालिक के पास हैं तो मालिक की माननी पड़ेगी, मालिक का काम करना पड़ेगा। अगर मालिक की नहीं मानेंगे हमें वो रोटी नहीं देगा। लेकिन मेरा अल्लाह तो फरमाता है कि मैं तो सबको रिजक दे रहा हूँ और तुम्हारे मुसलमानों के ईमान की बदौलत काफरों को भी दे रहा हूँ। जब मेरा अल्लाह हमारे साथ इतनी मोहब्बत फरमा रहा है, उसके बावजूद हम अगर अल्लाह ताला के हुक्मों को नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह की बात पर हक है, सच है कि इन बख्श रब्बिक लशदीद, तेरे अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। असल में हम ज़हन में सोचते क्या है, ओ ये अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान करीम है, अल्लाह बख्शनल है। अल्लाह के नामों में अंदर अगर गफूर रहीम रहमान के अल्फाज हैं, अगर करीम के अल्फाज हैं, तो अल्लाह के नामों के अंदर जब्बार के अल्फाज भी हैं। अगर अल्लाह के नामों के अंदर गफ्फार के अल्फाज हैं तो फिर अल्लाह के नामों के अंदर कहार के अल्फाज भी मौजूद हैं। अगर अल्लाह के नामों के अंदर मुइज के अल्फाज मौजूद हैं तो फिर अल्लाह के नामों के अंदर मुजिल के अल्फाज भी मौजूद हैं। अगर अल्लाह के नामों के अंदर अफू के अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, तो फिर अल्लाह के नामों के अंदर अल-मुंतकिम के अल्फाज भी मौजूद हैं। अगर वो अल्लाह की बात को नहीं मानेगा, अल्लाह ताला इंतकाम भी ले सकता है। अल्लाह के नामों के अंदर अव्वल भी मौजूद है, अल्लाह के नामों के अंदर आखिर भी मौजूद है, अल्लाह के नामों के अंदर कादिर भी मौजूद है, अल्लाह के नामों के अंदर मुक्तदिर भी मौजूद है। जब हर चीज पर कादिर अल्लाह है, हर चीज का पहला भी अल्लाह है, हर चीज का आखिर भी अल्लाह है, हर चीज को बनाने वाला भी अल्लाह है, हर चीज को फना करने वाला भी अल्लाह है, हर बंदे को रोजी देने वाला भी अल्लाह है, हर बंदे को माफ करने वाला भी अल्लाह है, हर बंदे से रोजी छीनने वाला भी अल्लाह है, हर बंदे को पकड़ने वाला भी अल्लाह है, हर बंदे को माफ करके जन्नत में भेजने वाला भी अल्लाह है, तो फिर हर बंदे की गिरफ्त करके जहन्नुम में भेजने वाला भी अल्लाह है। सिर्फ इतनी बात से काम नहीं चलेगा। अगर हम ये कहें अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और अल्लाह के मुकाबले में आ जाएं, अल्लाह की बात को तस्लीम नहीं करें, अल्लाह की बात को ना माने, तो फिर याद रखें गफूर रहीम वाला कायदा कुली हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमारे जहन के अंदर अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे तो फिर अल्लाह गफूर रहीम है। अगर हम अल्लाह की बात को मान रहे हैं अल्लाह गफ्फार है, अगर हम अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हैं तो फिर अल्लाह कहार भी है। अगर हम अल्लाह के हुक्म का इनकार करते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुखालिफ काम करते हैं, तो फिर मेरा अल्लाह जब्बार भी है, फिर मेरे अल्लाह की पकड़ भी मौजूद है। इसलिए असल काम अल्लाह की फरमाबरदारी है। अल्लाह हम सब को अपनी इताअत और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।